हेलो दोस्तों, आज हम हैं चतरा में और अभी हम खड़े हैं पोस्ट ऑफिस पर। तो आज हम आप लोगों को एक स्पेशल व्लॉग बनाकर लाए हैं चतरा का। दुर्गा पूजा के लिए हम आज व्लॉग बनाए हैं। चतरा में दुर्गा पूजा किस तरीके से सेलिब्रेट करा जा रहा है 2023 में, उसको हम आप लोग को दिखाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अभी रात है तो हम रात को ही निकले हैं। रात को ज़्यादा भीड़ रहता है दुर्गा पूजा में और इस समय पूजा भी होता है, तो इसलिए हम निकले हैं और दिखाएंगे आज आप लोग को पूरा पंडाल चतरा का कि कैसा कैसा पंडाल लगा हुआ है चतरा में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग मोहल्ला में। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज सबसे पहला पंडाल हम देखने वाले हैं फांसी तालाब के पास, जो लगा हुआ है पंडाल उसको देखेंगे। तो फांसी तालाब के पास हम जैसे ही इंटर करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हमें एक डीजे, बहुत सारा डीजे लगा हुआ रहता है, और एंट्री से पहले वहाँ पर कुछ पुलिस लोग भी तैनात थे। उसके बाद वहाँ पर एंट्री गेट पास बहुत अच्छे तरीके से लाइट का सिस्टम लगाया गया है। अंदर जाते ही हम गौशाला के अंदर जाते हैं, तो जयमंगल पांडे क्लब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। तो अंदर चल के हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर झरना टाइप का कुछ फव्वारा भी बनाया गया है डिज़ाइनिंग में, और उसके बाद यहीं पर लेफ्ट साइड में आगे में चलकर थोड़ा सा साइकिल का डिज़ाइन बना हुआ है, और वहीं पर हम फ़ोटो खिंचाए अपना, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था और एक ही वीडियो में हमें सारा कवर करना था। और गाइस, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरा चतरा में जो मेला लगता है। और मोस्टली ज़्यादातर यहाँ जो मेला सबसे अच्छा लगता है वो दुर्गा पूजा के टाइम में ही लगता है। तो इसी वीडियो में हम लास्ट में आप लोग को पूरा सीन दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरे लास्ट तक। तो गाइज़, अभी हम वहां से बाहर आ चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं काली मंदिर के पास। तो काली मंदिर का एंट्री कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बहुत ही भयानक लगा काली मंदिर का एंट्री। और जहां से अभी हम आ रहे हैं जयमंगल पांडे के पास से, तो वहां अगर हम रेटिंग देना चाहेंगे पंडाल का और लाइट सिस्टम, डीजे सिस्टम, सारे चीज़ का अगर हम रेटिंग करें, तो ऑल ऑफ द रेटिंग हम अगर लगाएंगे तो जयमंगल पांडे का रेटिंग होगा मेरे हिसाब से 7 out of 10, तो 10 में से 7 देते हैं। और काली मंदिर का रेटिंग हम सबसे अच्छा देते हैं, 9 out of 10 काली मंदिर का हम दे रहे हैं रेटिंग, क्योंकि यहाँ का लाइट सिस्टम गाइस बहुत ही अच्छा बना हुआ था, और रोड पर भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे रोड को सजा दिया गया था और रोड को पूरे अच्छे तरीके से साफ भी किया गया था। और अंदर में बहुत ही भीड़ था गाइस, यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं दुर्गा पूजा में, इसलिए पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। उसके बाद गाइस हम आगे निकलते हैं, और आगे निकलने के बाद हम बुढ़वा चौक पहुंच जाते हैं। तो बुढ़वा चौक के पास एक मंदिर है, काली मंदिर टाइप का ही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आज दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति बैठाया गया था, तो यहाँ भी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर का अगर हम रेटिंग देना चाहें तो 6 out of 10 देंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे बढ़ते हैं तो मार्केट मिलता है, बहुत ही भयानक मार्केट, और पूरे मार्केट को भी सजा दिया गया है, मतलब यहाँ अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। मार्केट से गुजरते हुए हम पहुँच जाते हैं मेला, और चतरा में जो मेला लगा हुआ है वो चतरा कॉलेज के जस्ट सामने लगा हुआ है, चतरा कॉलेज के सामने और स्टेडियम के भी सामने, मतलब स्टेडियम और चतरा कॉलेज के बीचों बीच में एक फील्ड है छोटा हुआ, तो उस फील्ड में पूरा मेला लगा हुआ है, डिज्नीलैंड टाइप का है। और यहाँ सारे तरह का झूला लगा हुआ था, बच्चों को खेलने के लिए गाड़ी है, बच्चों को खेलने के लिए झूला भी है, नॉर्मल छोटा मोटा झूला भी है, और बड़ा बड़ा झूला भी है जिसको हिंडोला बोलते हैं हम लोग, ड्रैगन बोलते हैं, और साथ ही जो नौ वाला जो जहाज होता है जिससे हम लोग अप डाउन करते हैं। फिर उसके बाद यहीं लगा हुआ है मौत का कुआं, और भी बहुत कुछ है, तो हम इस मेला में आज पूरा देखने वाले हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में लास्ट तक। और गाइज, इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम गए थे जादूगर देखने के लिए, तो जादूगर के पास भी बहुत अच्छा अच्छा जादू देखे हैं हम लोग। 20 रुपया टिकट था सिर्फ जादूगर का, और बाकी सारे झूलों का टिकट था 60 रुपया। तो हम जादूगर के पास जाकर देखे, बाकी सारा चीज़ तो बिना बैठे बिना झूले ही हम आपको दिखा सकते थे, बट जादूगर देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ता मुझे, तो इसलिए हम 20 रुपया का टिकट लेकर अंदर जाकर देख रहे हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो में बने रहिए, देखिए किस तरीके से मेला लगा हुआ है।
सुनिए, शर्मा जी, लाला जी, तिवारी जी, पटेल जी, गफार भाई, सतार भाई। तो गाइस बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ आ रही है, कुछ माइक से आदमी लोग बोल रहे हैं, वो आवाज़ आ रही है जादूगर के पास से। तो अभी हम जस्ट जादूगर के पास इंटर करने वाले हैं। तो गाइस जादूगर के पास इंटर कर चुके हैं और इस सबसे पहले हमें जादू दिखाया जाता है। एक घड़े में पानी लिया जाता है और जादूगर कहता है कि इसका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है, तो वो साइड में रख दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा जादू दिखाया जा रहा है कि एक छोटे से कप में दूध रहता है, उस कप से बड़े कप में, बड़े ग्लास में लेता है दूध को और वो पूरा ग्लास भर जाता है और चला जाता है दूध। और ये देखिए पानी फिर से निकाला घड़ा में से और फिर से गिरा दिया, मतलब इसका कहना है कि पानी ख़त्म ही नहीं होगा घड़ा से। और ये देखिए बॉल है, इसके पास सिर्फ एक बॉल है इसमें, और इसी एक बॉल को तीन बॉल बना देता है ये। तो इसमें जो है लड़की को आधा आधा कर देता है और फिर से जोड़ देता है उसको। तो देखिए आप अच्छे से, लड़की को अलग कर दिया लेकिन पता किसे चलेगा, ये लड़की दो टुकड़े में अलग है लेकिन लड़की फिर भी जिंदा है। लड़की सबको आवाज दो लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, क्योंकि लड़की के शरीर से एक कतरा खून नहीं निकला, क्योंकि खून बह जाने के बाद विश्व की कोई ताकत इसे दोबारा कभी जिंदा नहीं कर सकती। पहली बात, दूसरी बात, पहले के समय में खून देखने के बाद लोगों को चक्कर आना, बेहोश हो जाना, हार्ट अटैक होना, बहुत सारी बातें पैदा होती थी। इसीलिए 1968 में हिंदुस्तान के संविधान में एक कानून बना कि मंच के ऊपर कोई व्यक्ति खून खराब नहीं करेगा, इसीलिए हमने इस लड़की के शरीर के खून को रखते ही कर दिया। तो गाइस जादू देखने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर और सबसे पहले हम इस झूला पे झूलते हैं। 30 रुपया लगता है इस झूला का रेट। और उसके बाद जस्ट उसके बगल में कुछ बच्चे लोग इस झूले पर झूल रहे थे और आगे चलकर ड्रैगन था। तो ये देखिए ड्रैगन सिस्टम है और जस्ट इसी के बगल में मौत का कुआं लगा हुआ था गाइस। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इंजॉय किए, खाए पिए, मस्ती किए और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। मेला से निकलने के बाद हम कुछ पंडाल देखते देखते अपने घर जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आगे चल के हम आप लोग को पंडाल भी दिखा रहे हैं। पंडाल के सामने चंद धीरे से गाड़ी चलाएंगे, एक बार धीरे धीरे पास करेंगे। आप सभी से अनुरोध होगा, ये पंडाल जो आप अभी देखे गाइज, इस पंडाल का अगर हम रेटिंग करना चाहें तो हम 8 out of 10 रेटिंग करेंगे, मतलब कि 10 में 8, क्योंकि इसका लाइटनिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, रोड पर भी अच्छे तरीके से सजाया गया है और इसमें उतना ज़्यादा डीजे का आवाज़ भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। प्लस में यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था। तो आगे चलते हैं और आगे चल के जतराही बाग का हम देखते हैं। तो गाइस ये सिस्टम लगा हुआ है महादेव मंदिर का, तो ये महादेव मंदिर का सिस्टम है। तो महादेव मंदिर का भी अगर हम रेटिंग करना चाहे तो 9 out of 10 आराम से दे सकते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम 10 नहीं दे रहे हैं, 9 out of 10 दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। प्लस में अच्छा लगा घूमने में, यहाँ बहुत लोग आते हैं गाइस, एक काली मंदिर और दूसरा महादेव मंदिर, ये दो मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम, जतराही बाग चौक पर एक मंदिर है, वहाँ पर भी हम देखने वाले हैं किस तरह का है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस, तो यहाँ पहुँच गए हम जतराही बाग चौक पर और यहाँ का देखिए लाइटनिंग किस तरीके से लगाया गया है। और जस्ट सामने में जो दिख रहा है आपको, ये है मंदिर, तो ये कुछ खास नहीं है उतना ज़्यादा, बट इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है गाइज, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए गाइज़।